हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज दिनशो ईरानी साहब, हेलिस कैपिटल म्यूचुअल फंड से, हेलिस म्यूचुअल फंड से। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मतलब समझ नहीं आ रहा सर, मतलब डरना चाहिए या कॉन्फिडेंट रहना चाहिए? जैसे जैसे वो 4 जून नज़दीक आ रहा है ना, डेट उधर उधर पहुँच रहे हैं, तो मतलब बहुत मतलब बेचैनी सी हो रही है लोगों को। बताएं सर, सॉल्यूशन क्या है आपके पास? जी धन्यवाद, पहले तो आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और बिल्कुल सही बोला आपने, जैसे जैसे एक एक फेज निकलता है इलेक्शन का, वैसे वैसे ट्यूमर आते हैं और बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि एक्चुअली जो इलेक्शन के पहले जो थे, मतलब आई डोंट थिंक कुछ इतना चेंज हुआ है इन इलेक्शन के टाइम में कि इतना अलग हो जाएगा रिजल्ट जो आएगा। तो हमारे हिसाब से तो आपको वो साइड में रखना चाहिए। आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स आज की तारीख में आपको समझना मतलब ज्यादा देखना चाहिए यहाँ पे। बहरहाल काफी चीजें ऐसी हैं जो बाजार में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आज की तारीख में। एक तो रिजल्ट ही है, जैसे हमने पहले भी बोला था कि मार्च के जो नंबर है इतने सपोर्टिव नहीं रहेंगे, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में, कि वहां पे एनीवे वैल्यूएशंस काफी हद तक खींचे हुए थे। तो इसलिए जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आज की तारीख में इतने एक्साइटिंग नहीं आ रहे हैं टू सपोर्ट दैट स्पेस। तो वो एक है जो एरिया आपको थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। और दूसरा, जैसे आपने भी देखा है कि ये 1.5 महीने का जो पीरियड है अपना इलेक्शन का, उसमें काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं बाजार में। लेकिन आई थिंक वो एक बार 4 तारीख के बाद सब सेटल हो जाएगा, 4 जून के बाद, तो होपफुली सम स्टेबिलिटी विल कम इन उस समय। जो लेकिन तीसरा जो है, जो बड़ा वाला है, वो है हमारा बजट। जो सेंट्रल बजट आने वाला है फुली जुलाई बिगिनिंग में आ जाएगा, तो वहां पे आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी रूमर्स वहां पे भी फ्लाई हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स वगैरह पे, क्या कैसे टैक्स होगा, क्या होगा। और आपने कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का तो सुन ही लिया था कि FNO में वो भी काफी वरीड है जिस हिसाब से ये उतार चढ़ाव हो रहा है वहां पे। और इनफैक्ट उन्होंने एक पैरल निकाला कि हमारे जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वोलेटिलिटी। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा बजट की क्या आने वाला है, तो वहां पे भी थोड़ा आई थिंक अनसर्टेनिटी रहेगी। और जो लास्ट जो हमने सोचा था वो पैन आउट हो ही रहा है आज की तारीख में, वो है इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने पहले भी बोला था कि RBI का बस चलता तो आज ही काट देते इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो काफी लो लेवल पे आ गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें US को देख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपए को हमें संभालना है vis-a-vis the dollar। तो इसलिए आई थिंक वहां पे थोड़ा इश्यूज हैं, और ये लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट US में एटलीस्ट ये ईयर एंड तक आ सकता है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमने यही बोला था कि जो 2024 जो है पूरा कैलेंडर ईयर थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। इतना भी नहीं सोचा था, पर एनीवे अभी पैन आउट तो ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, 2024 में ढेर सारी इवेंट्स है जिनके दम पर उतार चढ़ाव रह गई और रहने वाला है भी। लेकिन आइए, इवेंट्स के दम पर तो हो गई, लेकिन अल्टीमेटली आप जिस नज़रिए से स्टॉक्स को या कंपनियों को या सेक्टर को देखते हैं वो है फंडामेंटल्स, और उसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। नतीजों के सीजन में अब तक किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि नंबर्स ठीक आ रहे हैं, ओवरऑल सीजन कैसा है अब तक का, और कहाँ कमज़ोर रिजल्ट्स हैं, जरा समझाएं सर। जी देखिए, एक जो एरिया है जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं वो है फाइनेंशियल सर्विसेज में। आपने खुद ही देखा कि जैसे जैसे रिजल्ट आते गए स्टॉक अच्छी तरह से रिएक्ट करते गए, ना ही बैंक स्पेस में बट NBFCs में, फिर हमारे वेल्थ मैनेजर्स जो रिपोर्ट किए वगैरह वो सब में, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। और वो हमें लग रहा है कि आगे चल के भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन एज अ थीम इंडिया में काफी कैच ऑन हो गई है, और काफी डाइवर्सिफाइड भी थीम है ये। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक एक्चुअली हमारी तरफ से हम एक नया फंड लाने वाले हैं, विच इज फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, क्योंकि हमें यही लग रहा है कि अगला जो रैली है मार्केट में वो इसी सेक्टर में होने वाला है, और वो हमें सपोर्ट भी किया है। ये क्वार्टर का नंबर देखें तो काफी सपोर्टिव है। हमारा अप्रूवल अभी आना पेंडिंग है, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट, बट एनीवे तो वो एक था। और दूसरा जो हमने देखा जो डिसअपॉइंटिंग था दूसरी साइड पे, वो एक्चुअली एक तो कंजम्पशन स्पेस में FMCG स्पेस में काफी डिसअपॉइंटमेंट आया। बहरहाल जो नंबर्स थे वो तो खराब थे, काफी कट्स आए हैं उनमें अर्निंग्स में भी, लेकिन स्टॉक्स रिएक्ट नहीं किए फॉर सम रीजन। आई थिंक लोग सेफ्टी देख रहे हैं आज की तारीख में, इसलिए
एमएनसी कंजम्पशन स्पेस में ही अटके हुए हैं आज की तारीख में, और दूसरा आईटी अगेन नॉन सपोर्टिव नंबर्स थे, बिल्कुल ही ठीक के नहीं आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल से नंबर अच्छे आए, पर वो हमने सुना है कि एक स्पेसिफिक एरिया था जो गर्मियों के रिलेटेड एरिया था, वहां पे नंबर्स अच्छे आए थे। तो इसलिए काफी मिक्स रिजल्ट्स हैं, पर भारत ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा थे देन सरप्राइजेस, पॉजिटिव सरप्राइजेस। तो ये है आपके लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड एक फंड लॉन्च करना चाहते हैं, जरा इसी पर एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कब तक लॉन्च कर रहे हैं और इस वक्त ये लॉन्च करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जरा ये भी समझाइए। जी एक्चुअली अनिल जी, हम हमेशा बोलते हैं कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, लेकिन हम वो ट्राई करते हैं लर्न करने की। इसलिए अगर जो आप हिस्ट्री में देखें, और एक्चुअली एक तो गिवन है कि इंडिया का जीडीपी प्रॉब्ली अगले 5 साल में डबल हो जाएगा यहाँ से, मतलब 5 ट्रिलियन तो गिवन ही है, हमें तो लग रहा है कि 7 भी हो सकता है आराम से इन द नेक्स्ट कपल ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसलिए अगर जो आप देखें ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ये ग्रोथ आई थी, जैसे यूएस था 70s में या से चाइना था 2000 में, तो जो दो सेक्टर या रादर एक जो सेक्टर बहुत ही बढ़िया किया था वो था फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज इंडिया में भी वही होगा। और अगर जो हमारा आप नंबर भी देखें, अगर जो 2000 से लेके आप 2020 तक अगर जो बैंक इंडेक्स देखें, तो वो इंडेक्स ने बहुत ही बढ़िया किया एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप इंडेक्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा था फ्रॉम द लार्ज कैप इंडेक्स, बैंक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। पर 2020 के बाद थोड़ा नमी आ गई थी वहां पे अगले 3-4 साल के लिए, मेनली बिकॉज एक बड़ा उसमें जो पार्टिसिपेंट है HDFC बैंक, उसने बराबर नहीं किया और इसलिए वो अंडर परफॉर्म किया। तो हमें लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस अभी रिवर्स भी होगी, प्लस जैसे मैंने बोला हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस के जब भी इकोनॉमीज ग्रो होती हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज हैव टू ग्रो बिग फॉर द इकोनॉमी टू पार्टिसिपेट। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर है जो आपको अगले 4-5 साल के लिए बहुत ही बढ़िया कर सकता है, इसलिए हम ये सर्विसेज फंड ला रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस। एंड फॉर्चुनेटली इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ बैंक से लिमिटेड ही नहीं है, इतना डाइवर्सिफाई हो गया हमें सर्विसेज हमारा, जो कि इंडेक्स आज की तारीख में अभी भी कंसोलिडेटेड है बैंक्स में, लेकिन इफ यू लुक एट द सर्विसेज पार्ट, NBFCs हैं, मॉर्गेज कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं आज की तारीख में। इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक सेक्टर है जहां पे अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, तो अगले 3 से 5 साल में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर दिखा सकता है दमदार प्रदर्शन, और इसीलिए नया फंड लॉन्च हो रहा है। मुझे याद है सर, आपका तो है ही है और समीर सर का भी ज्यादा नहीं, पिछले 25-30 सालों से ये सेक्टर लगातार फेवरेट रहा है, राइट सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, समीर को तो मैं 94 से जानता हूँ, तो तब से उनको ये सेक्टर पसंद है। और बिल्कुल, और आप सोचिए उस जमाने से HDFC बैंक और इस तरह के कई सारे स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में रहे, जिन्होंने कई कई गुना रिटर्न दिए हैं। आइए, ये तो बात हुई फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की और नतीजों की भी। अब जो एक्शन एक और आता दिख रहा है वो है ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज से, कमोडिटीज़ के दाम बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं और स्टॉक्स भी, क्या समझा जाए, क्या कुछ वाकई में फंडामेंटली इनके लिए बदल रहा है या फिर ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है और दूर ही रहना चाहिए? जी देखिए, कमोडिटीज आज की तारीख में जो बढ़ रहे हैं वो ऑन द बैक ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना अभी काफी अच्छे नंबर दिखा रहा है GDP वगैरह के, लेकिन एक चीज जो प्रॉब्लम चाइना की है, और एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग कंज्यूमर ऑफ कमोडिटीज, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1/3 ग्लोबल कमोडिटी डिमांड चाइना से ही आता है, 1/3 ग्लोबल डिमांड अकेले चाइना ही करता है। लेकिन अगर जो आप चाइना की बात करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा, और वो ऑब्वियस है बिकॉज उनका जो GDP डिफ्लेटर है वो नेगेटिव ही हो जा रहा है। तो GDP डिफ्लेटर नेगेटिव है मतलब आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन एक टैंक ले रहा है वहां पे, इसलिए इतना नेगेटिव हो रहा है वहां पे। लेकिन वो अपना जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं फ्रॉम सप्लाइंग टू ग्लोबल मार्केट्स, और ऑलरेडी आपने देख लिया है, लाइक यूएस ने तो कल अनाउंस कर ही दिया कि $18 बिलियन के जो इम्पोर्ट्स है चाइना से उनपे वो सैंक्शन लगा रहे हैं। ईवी व्हीकल्स पे तो ऑलमोस्ट 100% कर दिया, 25% का जो इम्पोर्ट ड्यूटी था वो 100% कर दिया उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये सब जो है वो एक तरह से एक डैम्पनर होगा आगे चल के फॉर चाइना पर्टिकुलरली। इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो आप जो मुंह देख रहे हैं जो ग्लोबल कमोडिटीज में,
वो शायद एक हद तक जाके फिर बाद में थोड़ा थम जाएगा, क्योंकि ग्लोबली थिंग्स हैव टू पिक अप फॉर कमोडिटीज आल्सो टू पिक अप, वो आज की तारीख में नहीं हो रहे, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना चाहिए हमारे साथ। ओके, तो ये आपके लिए राय आती हुई कमोडिटीज पर। दिनेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से हमारे दर्शकों को बाजार के डायरेक्शन के बारे में अपनी राय भी दी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।